हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है चैनल में आपका एक बार फिर से। ठीक है, तो डियर, जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या गो थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन होगी आपकी कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, और फर्दर कैटेगरी कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरी हार्डवेयर की कैटेगरी नहीं है कोई भी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका, डिवाइस ड्राइवर हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इन सब के बारे में हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, और सेकंड है, मैं आपसे दो रियल लाइफ सिनेरियो पूछूंगा। ठीक है, तो आपको जस्ट अपना व्यू देना है कि आर दोज रिलेटेड टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और नॉट। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन है, राइट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो हार्डवेयर क्या है? सी, मैंने दो डेफिनेशन राइट डाउन करी है, एक ब्लैक में एक ब्लू में। ब्लू वाली है वो है कंप्यूटर स्पेसिफिक, और ब्लैक एक जर्नल स्पेसिफिक। ठीक है, तो हार्ड जो ब्लैक है, एनीथिंग विच वी कैन सी टच फील इज कॉल्ड हार्डवेयर। यस राइट, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो या फील कर सकते हो, वो हार्डवेयर है। फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, बेड, टेबल, टीवी, एनीथिंग जो आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, वो हार्डवेयर है। स्पेसिफिक टू कंप्यूटर में डेफिनेशन बोलूँ तो दिस मीन्स दैट ऑल डिवाइसेस दैट यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज एज अ कंप्यूटर हार्ड। कंप्यूटर हार्डवेयर के स्पेसिफिक जैसे कि अगेन माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और कुछ भी जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और फील कर सकते हो, वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में कोई ज़्यादा हार्डवेयर का टॉपिक और डीप कर सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल की माउस, माउस की माउस का आर्किटेक्चर, माउस का मटेरियल, माउस का टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी में वो बना है। ठीक है, विच टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग टू मेक माउस, विच टेक्नोलॉजी इज यूज बिहाइंड द कीबोर्ड, फिर आपका मॉनिटर। ठीक है, बट वो एक डिफरेंट टॉपिक के लिए। ठीक है, फॉर नाउ आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक बेसिक ओवरव्यू चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगेन ब्लैक एंड ब्लू टू डेफिनेशन। द फर्स्ट वन, एनीथिंग विच वी कैन सी बट कांट वी टच एंड फील इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कुछ भी जो आप देख सकते हो बट आप टच नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप टच नहीं कर पाओगे तो फील नहीं होगा। ठीक है, इमोशनल नहीं होना। ओके, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो एक सॉफ्टवेयर है ना, वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या है? आपका इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लिखी गई है। प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं जो अपना अपना कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, राइट, और मल्टीपल प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डायग्राम। ये आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डायग्राम है। आई होप कि आपको यहाँ से भी अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम पे आते हैं। पहले सी, ये आपका यूजर आप और मैं है, ठीक है, यूजर, और ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर, और जो ये मिडल वेयर है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कुड बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम डिटेल में इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो सिट कर रहा है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेकंड डायग्राम से भी आप चेक कर सकते हो, ये इनर मोस्ट जो हमारा पार्ट है वो है सीपीयू, डिस्क, माउस, प्रिंटर, विच इज हार्डवेयर, राइट। जो उसके बाहर का है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्दर कैटेगरी हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी और भी हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाहर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, योर एप्लीकेशन गूगल क्रोम या फिर आपका मोजिला फायरफॉक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सी मोर नियर टू हार्डवेयर कौन सा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें कौन से आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, मोर नियर टू हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और हमारे बीच में जो बॉन्ड क्रिएट करता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। ओके, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में। मेजॉरिटी और मेन दो ही कैटेगरी, देखो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में दो ही कैटेगरी है, द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको छोड़ के कोई कैटेगरी नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर करना, ठीक है। कहीं पे भी लिखा है तो वो गलत है, क्योंकि जो भी कैटेगरी है ना वो इन्हीं के अंडर आएगी। तो इसकी दो ही कैटेगरी है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्दर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका डिवाइस ड्राइवर हो गया, आपका लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। सेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। ओके, वन ऑन वन करके गो थ्रू करते हैं हम, ठीक है। तो ओके, फर्स्ट आया ऑपरेटिंग सिस्टम। सी द डेफिनेशन, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अगेन इस स्लाइड पे जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कि एक्ट कर रहा है एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर और कंप्यूटर, यूजर और हार्डवेयर के बीच एज अ इंटरफेस का काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सो ये तो ये जो पहली कैटेगरी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो पहली कैटेगरी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, देन लिनक्स, उबंटू, रेड हैट, मैकिंटॉश, आपका एप्पल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली कैटेगरी आपकी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक कैटेगरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ग्रेट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो ये जो कंपाइलर हो गया आपका, इंटरप्रेटर हो गया या फिर असेंबलर हो गया, ये आते हैं अंडर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ये फर्दर किसके अंडर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है, ठीक है। तो इनका यूज क्या है? यूज देखो, कंपाइलर का एक बेसिक यूज है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। क्यों? बिकॉज कंप्यूटर, सी कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज अंडरस्टूड नहीं कर सकता है, कंप्यूटर को सिर्फ पता है 0101 का, ठीक है। बट जो हम इंटरफेस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जैपनी, कोई भी लैंग्वेज ले लो, राइट, दोज आर हाई लेवल लैंग्वेज। पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ता है सिस्टम को कैलकुलेशन के लिए, बिकॉज कंप्यूटर को ये अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, उसको नहीं पता है इंग्लिश क्या है, उसको नहीं पता है हिंदी क्या है, उसको नहीं पता है कि अब फ्रेंच क्या है, ठीक है। तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इनको लो लेवल में, फिर वो कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेट करके वापस अगेन रिजल्ट देता है आपको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। बट कंपाइलर कैसे वर्क करता है? कंपाइलर होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एट वंस। सपोज करो आपके प्रोग्राम में 10 लाइनें हैं, तो वो 10 की 10 लाइनों को रीड करेगा और सभी में जितने भी एरर होंगे एक साथ देगा, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेम इंटरप्रेटर का भी काम है, बट इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन करता है, एक लाइन करेगा, कोई एरर आ गया तो वहीं पे क्विट करेगा और आपको शो करेगा स्क्रीन पे कि ये एरर है, आपको पहले ये रिजॉल्व करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बार अगेन आप हिट करोगे सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ, यहाँ पे उसको वापस फिर से एरर आएगा, वहाँ पे वो वापस आ जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ से वो एरर रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है आपके कोड को, ठीक है।
थर्ड वन है आपका असेंबलर. असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज ओनली टू मशीन लैंग्वेज. असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए ही बना है, ठीक है. तो वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है. नेक्स्ट वन है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर. देन डिवाइस ड्राइवर, ये भी एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है. सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर की कैटेगरी है डिवाइस ड्राइवर. आप अपने सिस्टम के ड्राइवर, सी आप अपने सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, राइट. आप सबसे पहले आप एक परचेज करते हो लैपटॉप. लैपटॉप में सबसे पहले करते हो आप विंडो इंस्टॉल, ठीक है. विंडो इंस्टॉल करने के बाद आप करते हो ड्राइवर्स इंस्टॉल. ड्राइवर काइंड ऑफ एक सपोर्ट है, ठीक है, कि आपको स्पेसिफिक, सपोज करो ऑडियो ड्राइवर एक स्पेसिफिक सपोर्ट है जो उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो ड्राइवर. सपोज करो आपने एक VLC डाउनलोड किया, आपने ड्राइवर डाउनलोड नहीं कर रखे यार, आपने VLC डाउनलोड किया और आप उस पर मूवी देखने लगे, तो आप चेक करोगे विदाउट ड्राइवर वो कैसे दिखती है, ठीक है, उसका ग्राफिक कैसे दिखेगा, चेक करना. आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि अनइंस्टॉल मारनी है विंडो, ठीक है. आप सेटिंग में जाके वीडियो ड्राइवर अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है. और फिर आपका VLC में आप कोई मूवी चला के देखना कि उसका प्रिंट कैसे आता है, उसके बाद अगेन उसको इंस्टॉल कर देना वीडियो ड्राइवर को, ठीक है. तो उसमें डिफरेंस पता चलता है, से रियल लाइफ सिनेरियो किया करो, ठीक है. नेक्स्ट वन आपका वाईफाई ड्राइवर. आप वाईफाई से कनेक्ट तभी कर पाओगे अगर आपके सिस्टम में वाईफाई ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे तो, राइट. अब जैसे ही वाईफाई पे क्लिक करते हो ना, एक लिस्ट मिलती है आपको. अगर पब्लिक नेटवर्क में हो तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि ये नेम करके 10-15 नाम आपको लिस्ट में मिल जाएंगे कि आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो. हाँ, ये बात अलग है कि सबके पासवर्ड आपको पता होने चाहिए, बट वो लिस्ट कैसे आती है? वो लिस्ट इसलिए आ रही है क्योंकि आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप में वाईफाई ड्राइवर्स हैं, ठीक है. सेम स्कैनर और प्रिंटर, एक न्यू प्रिंटर आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना है ना, तो फर्स्ट आपको उसमें प्रिंटर के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, नहीं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा प्रिंटर को, ठीक है. कनेक्ट कर दोगे बट कोई वर्क नहीं करेगा. सेम ईथरनेट ड्राइवर आपके लैन से रिलेटेड लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन है आपका डिवाइस ड्राइवर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ग्रेट. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये भी, ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. यूज टू मैनेज, ऑर्गेनाइज, ऑप्टिमाइज, एनहांस फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सी, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू ना आए. फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो वायरस को डिटेक्ट करे और उसको रिमूव करे. अदरवाइज़ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वायरस होता है जो खुद की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करता है, ठीक है. सपोज करो एक वायरस है 1 MB का, तो वो क्या करेगा, 1 MB की फाइल खुद ही क्रिएट करता रहेगा, खुद को कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है. ऐसा करने पे क्या होगा कि आपकी सिस्टम की मेमोरी फुल हो जाएगी ना, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, ठीक है. तो एंटीवायरस क्या करेगा, उस प्रोग्राम को डिलीट करेगा. वायरस और एंटीवायरस दोनों क्या है, प्रोग्राम्स ही हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपका जैसे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंप्रेशन टूल हो गया, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप, डीफ्रेगमेंट, बैकअप यूटिलिटी, सारे के सारे कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए. कंप्रेशन टूल हो गया आपका कि 1 GB की फाइल को 200 MB में स्टोर करके रखना है, ठीक है, ताकि आप जो स्टोरेज एरिया है उसको ढंग से यूटिलाइज कर सको, ठीक है. डिस्क मैनेजमेंट टूल में आप पार्टिशनिंग करते हो, ठीक है, CDEF ड्राइव बनाते हो. तो वो क्यों बनाते हैं, ताकि आप एक बेटर वे में एक डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना सको, ठीक है. कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन, विंडो इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग जब कोई नया सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल रहेगी वो सी में रहेगी. डी में आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो,
ई बना सकते हो, जहाँ पे आप अलग से अपना अलग से कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। क्लीन अप टूल भी काइंड ऑफ एक टूल है जो आपका अनवांटेड फाइल्स को क्लीन करता है, जो फाइल्स सिस्टम में जस्ट पड़ी हुई हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, ठीक है, काइंड ऑफ कैशे, ठीक है, तो उनको वो क्लीन करता है, ठीक है। तो ओवरऑल वो सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए, ही यूज किया जाता था, कि आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस बेटर हो, आपका जो स्टोरेज डिवाइस है उसका, उसको ढंग से मैनेज किया जाए, आपका जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ढंग से मैनेज किया जाए। नेक्स्ट वन है आपका फर्मवेयर। फर्मवेयर भी बहुत इजी है, ठीक है। कंप्यूटर फर्मवेयर स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द लो लेवल कंट्रोल फॉर डिवाइस स्पेसिफिक हार्डवेयर, फॉरगेट इट, ठीक है। फॉर डेफिनेशन आपका ना फर्मवेयर कहाँ पे है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी बायोस की सेटिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। बायोस का जो सेटिंग का ऑप्शन है ना, वो फर्मवेयर है आपका, ठीक है। वो लो लेवल कंट्रोल देता है आपको, इस बायोस की सेटिंग में आपको जरूरत पड़ती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। जैसे और किसी भी सिनेरियो में आपको जरूरत पड़े, बायोस की क्या जरूरत पड़ेगी, आप थोड़ी हो हर बार और सिस्टम ऑन करते हो और बायोस की सेटिंग पे जाते हो फिर कुछ काम करते हो वहां पे, वो जनरल आपको जरूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत ही लो लेवल पे कंट्रोल है आपको, वो स्पेसिफिक वर्क के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करनी है, राइट, तो विंडो इंस्टॉल कैसे कर रहे हो आप, सपोज करो आपने एक पेन ड्राइव है, थ्रू पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव है, उसके थ्रू आप अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करोगे, तो हो सकता है कि जो बूट की प्रायोरिटी है ना वो पेन ड्राइव को नहीं है, कि वो पेन ड्राइव को पिक नहीं करेगा प्राइमरी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पता है, जैसे आप अपना सिस्टम ऑन करोगे ना तो बायोस की सेटिंग में जाना पड़ता है। आप यूज कर सकते हो फंक्शन कीज F2, आइदर F10, आइदर F12, इनमें से यूज करना कोई, ठीक है। ऑन करने के बाद इन फंक्शन की, इनमें से कोई फंक्शन की होगी आपके सिस्टम के स्पेसिफिक, उसको प्रेस करोगे तो ये आपको स्क्रीन दिख रही है, वो इस स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बूट प्रायोरिटी, आप एक बूट का ऑप्शन आता है उसके अंदर बूट प्रायोरिटी होती है, जिसमें आप बता सकते हो कि जो बूट की प्रायोरिटी है ना वो मुझे पेन ड्राइव रखनी है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज पेन ड्राइव करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा तो पेन ड्राइव को पिक करे, पेन ड्राइव को जैसे ही पिक करेगा, पेन ड्राइव बूटेबल है तो आपकी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक ऐसा ऑप्शन है जो आप खुद चेक कर सकते हो, इसमें आपको जस्ट इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है, बट आप चेक कर सकते हो F2, F10, F12 करके चेक करना, ठीक है, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। नेक्स्ट वन है आपका, ओके ग्रेट, अभी ये वाली कैटेगरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वन है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वाले आपके हैं जनरल पर्पस, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प इन ऑटोमेशन ऑफ आवर बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या फिर VLC हो गया, स्काइप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई फॉर म्यूजिक के लिए, इन शॉर्ट न्यूज़ के लिए, गूगल क्रोम या फिर बीम, ठीक है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं अपने किसी स्पेशल और स्पेसिफिक वर्क के लिए, ठीक है। ये यूजर एंड का है, इसका किसी भी और लेयर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि हम कोई कुछ काम कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे मुझे मूवी देखनी है, तो मूवी में मैं VLC ओपन करूँगा। VLC क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें मूवी देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम पे जाके मुझे कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो कुछ काम करना है मुझे, तो उसके लिए मुझे गूगल क्रोम पे जाना। गूगल क्रोम क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक स्काइप हो गया, व्हाट्सएप, मुझे अपने फ्रेंड को कोई मैसेज करना है, ठीक है, तो मुझे कोई एक स्पेसिफिक काम है, काम क्या है, मुझे मैसेज करना है, बट
कौन सी एप्लीकेशन यूज करके, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप कौन सी एप्लीकेशन हुई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आया, ठीक है। सेम इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, इन शॉर्ट, गूगल क्रोम, भीम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे काम करना है, मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। जो मैं ये आप वीडियो जो देख रहे हो ना, ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी है, बनानी तो मुझे किसी और सॉफ्टवेयर, बनाने के लिए मैं कोई और सॉफ्टवेयर OBS का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो OBS है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये अपलोड करनी है कहाँ पे, यूट्यूब पे, ताकि बाकी लोग दे सकें, ठीक है। यूट्यूब भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अपने फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में एक सब्सक्राइब बटन होता है, कमेंट शेयर लाइक का भी होता है, ठीक है। ओके, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इस सारे के सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो जनरली यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई मेल हो गया, ऑफिस हो गया, ये जनरल पर्पस यूज होते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहे हैं। VLC पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, इन शॉर्ट हो गया, क्रोम हो गया, सभी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाए जाए या फिर स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाए जाए। फॉर एग्जाम्पल की एक कंपनी है जिसने कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाया है सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए, हो सकता फॉर एग्जांपल कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, कंपनी में जाएंगे, वहां पे वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें अपनी अटेंडेंस लगाएंगे की, ठीक है। तो ये होगी एक कस्टमाइज एप्लीकेशन कि सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉय ही यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, दैट्स इट, ये हमारा टॉपिक हो गया। ओके, मुझे आपसे दो क्वेश्चन पूछने थे जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, द फर्स्ट वन है व्हाट यू थिंक अबाउट बॉडी एंड सोल, आर दो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये आपको बताना है, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है What about the wire and the current inside wire? ठीक है, आर दोज ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और नॉट। तो ये दो रियल लाइफ सिनेरियो के बेस्ड ऑन क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट सेशन में बताना है कि वो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है या नहीं है, है तो क्यों है, ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों, ये भी आपको मैंशन करना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। ओके, विल मीट इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।